हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 19 और सुबह से ही मेरा ब्लॉग हो गया है शुरू। तो पूजा वगैरह हो गई है, सब कुछ, मतलब साफ़ सफाई का तो अभी कहीं कुछ भी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है, पेंट चल रहा है। तो बस जो ज़रूरी ज़रूरी काम होते हैं सुबह को, बस वही हो पा रहे हैं। जैसे कि मंदिर की सफाई पोछा ओछा लगा के पूजा कर ली है, और किचन का हो गया है कि किचन की साफ़ सफाई तो हो चुकी है बट अभी भी चल ही रही है, क्योंकि कवर्ड वगैरह तो सब क्लीन हो गई हैं, लेकिन बर्तन वगैरह लगाना है, डिब्बे वगैरह वॉश करना है, बहुत सारी छोटी छोटी साफ़ सफाई होती है जो कि धीरे धीरे निपट पाएगी। एक साथ तो कुछ भी नहीं होता है, तो बस धीरे धीरे लगी रहती हूँ सुबह से लेके कब शाम हो जाती है, त्यौहार के टाइम पे पता ही नहीं चलता है। तो सुबह को बस मम्मी पापा जी ने बोला था हलवा खाना है आज, तो सूजी का हलवा बनाया था उनके लिए। उसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड जी को नहीं खाना था हलवा, तो बनाया ओट्स, क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ, बस हाँ थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो फिर मैं अपने लिए और उनके लिए बना रही थी ओट्स का दलिया, और पेट तो भी चल ही रहा है तो खाना पीना, फिर नाश्ता करने के बाद खाना पीना बनाऊंगी। और मेहंदी वगैरह भी आज लगवानी है, अब देखती हूँ कैसे क्या हो पाता है, क्योंकि पूरा टाइम बिज़ी 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 हो जाता है और बहुत सारा काम होते हैं छोटे छोटे जो कि संभालने रहते हैं, और मम्मी पापा जी का लंच भी बनाना रहता है। तो देखो कब लग पाती है मेहंदी, आगे आगे आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए कर लीजिएगा, और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं वो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:45, और अभी भी जस्ट बस नाश्ता बना के लाई हूँ, और घर में आपको पता है कि बहुत सारा काम फैला हुआ है, तो अभी मेरा कमरा पूरी तरह से फिनिश भी नहीं हुआ है, मतलब सफाई करती हूँ और फिर से गंदा हो जाता है। अभी इधर जो खिड़कियाँ वगैरह सब पेंट होने को रह गई हैं, तो पर्दे वर्दे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाए हैं, तो बस चल रहा है काम, और दिवाली तक हो ही जाएगा, आशा करती हूँ कि हो जाए। तो बस नाश्ता कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग की स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज दिन है सैटरडे और कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की तैयारी भी मेरी कुछ कुछ हो गई है, बट मेरा अभी ना साड़ी और ब्लाउज अभी मेरा पड़ा हुआ है टेलर पे, आज उठा के लाऊंगी, मैं नहीं लाऊंगी तो बेटी को भेजूंगी उठाने के लिए। तो आप लोगों की तैयारी तो ज़ोरों शोरों से हो गई होगी, मेरे घर में तो इतना काम फैला हुआ है कि मैं मार्केट भी नहीं जा सकती हूँ अकेले, क्यों घर में सब कुछ देखना पड़ेगा। और हस्बैंड जी की भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, तो दवाई खा के थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो काम भी देखते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो आज का ब्लॉग देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक, फिर मिलती हूँ आगे ब्लॉग में, कंटिन्यू रहिएगा। फिर उसके बाद मुझे बनाना था लंच, और लंच में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, तो बस फटाफट से कट किया। और अभी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई तो हो नहीं रही है, क्योंकि सफाई तो चल ही रही है, पेंट चल रहा है, बस हम लोगों को तो सामान इधर से उठाना उधर रखना है, उधर से उठाना उधर रखना है, और कौन सा सामान ख़राब है वो निकाल के हटाना है। तो इससे ना जब डीप क्लीनिंग होती है या पेंट वगैरह घर में होता है, तो बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पूरा घर दोबारा से सेट हो जाता है, और अपने नए तरीके से सेट कर लो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यही सब चल रहा है, और काफ़ी टाइम हो गया था मेरे घर में पेंट नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा दीवारें ख़राब हो गई थी, और इतना इस बार इतनी बारिश हुई थी कि जहाँ पे सीलन नहीं आती थी, कभी भी बरसों से सीलन नहीं आई थी, वहाँ भी इस बार सीलन आई थी। मंदिर वाली साइड है मेरा, जहाँ पे मेरा मंदिर रखा हुआ है, वहाँ पूरी वॉल पे सीलन आ गई है। अब धीरे धीरे निकलेगी और पेंट हो जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा, सीलन की वजह से बड़ा ख़राब सा लगता था, और सारा उसका वो फूल गया था जो भी पलस्तर था। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि बिना मेहनत के मैंने अपने तांबे और पीतल के बर्तन कैसे चमकाए। कि दही मेरे पास खट्टा रखा हुआ था, मैंने उसमें पानी मिक्स करके और नमक मिक्स करके, और ये दोनों जो लोटा थी ना, मैंने काफ़ी देर के लिए डुबो दिए उसमें, और बिल्कुल भी मेरी मेहनत नहीं लगी। बस डुबोने के बाद जैसे ही मैंने निकाले, उनकी जितनी भी गंदगी थी सारी साफ़ हो चुकी थी, बस मुझे अब थोड़ा सा उसको रब करके बस
क्लीन करना था, तो बस यहाँ पे मैंने उनको रब करके क्लीन कर लिया और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, इतने अच्छे से क्लीन हो गए। तो बहुत खट्टा दही था तो खाने के यूज़ में तो नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर इसमें यूज़ कर लिया और बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो घर की ही चीज़ों से मैं ऐसे अपने छोटे मोटे काम अपने करती रहती हूँ। तो पीतल का जो लोटा मेरा करवा चौथ का था वो भी क्लीन हो गया था बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, क्योंकि पहले से थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो करके रख दो ना, बहुत आसानी रहती है। अब यहाँ पर बना रही थी मैं आलू और परवल की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी पापा जी भिंडी नहीं खाते हैं तो उनके लिए बन रही थी आलू परवल की सब्ज़ी। वैसे यही तो होता है ना कि ए घर में जितने मेंबर होते हैं ना तो उसकी पसंद क्या, अगर उनको नुकसान करती है तो ज़बरदस्ती तो नहीं खिला सकते, तो इसलिए फिर उनकी वजह से उनकी उनकी पसंद की सब्ज़ी बनी। और बच्चे नहीं खाते हैं यानी बेटी की नहीं खाएगी वो सब्ज़ी, तो फिर उसके लिए भिंडी बनाई। तब तक हस्बैंड जी मार्केट गए हुए थे और सब्ज़ियाँ हरी वाली ले आए, तो फिर मैंने सोचा इसको ना जब तक किचन में कोई काम नहीं हो रहा है, सब्ज़ी बन रही है और रोटी तो अभी बनानी नहीं है, तब तक मैं इसको कट करके रख देती हूँ और शाम के लिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी है तो खाना पीना जल्दी रेडी करके और फिर मेहंदी लगवाऊंगी। और भी मैंने ना मेहंदी के लिए ना सोचा नहीं है कुछ कि मैं किसी को बुला के लगवाऊंगी, कैसे लगवाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो जैसा होगा वैसा आपके साथ आगे आगे आप देखिएगा क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मूली भी कट करके रख दिया, और भी टाइम करीब हो रहा था 12 बजे का और लंच बन ही जाएगा जब तक खाने का टाइम होगा। और आप लोगों की क्या क्या तैयारी हो गई, अब तो सबकी लगभग तैयारी पूरी हो ही चुकी होगी। पता है मेरा अभी भी आधा अधूरा सामान आया था, लेकिन सामान धीरे धीरे जब तक करवा चौथ यानी आज 19 तारीख है, कल तक सारा कुछ अरेंज हो जाएगा। मेरे कपड़े भी अभी टेलर के पास पड़े हुए हैं और रेडी, मैंने फ़ोन किया तो बोला कि अभी बस थोड़ा सा काम बाकी है, आप शाम को मंगा लेना। तो देखो शाम को मंगा पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जा नहीं पाऊँगी मार्केट और हस्बैंड जी की भी तबीयत ऐसी ही चलती है, अगर एक बार उनको भेज दो फिर दोबारा कहते हैं एक बार में बता दिया करो, तो फिर वो भी ऐसे ही रहता है। तो जैसे आप पाएगा वैसे ये है कि कल ही तो चाहिए शाम को, तब तक मेरा सामान सारा आ ही जाएगा। तो बस यही है कि जैसे जो जो होना होता है वो अपने हिसाब से होता चला जाता है, अपना प्लान पहले से बना के चलो ना तो वो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर मूली और पत्ते मैंने दोनों अच्छे से कट कर लिए थे, अब इसको ना मैं बॉईल करके रख दूँगी तो मुझे ना शाम को बहुत आसानी हो जाएगी कि मुझे इतनी भड़बड़ नहीं रहेगी। और फिर ये लोग जब जाते हैं ना काम करके छोड़ के जाते हैं पेंट वाले, तब इतना फैलारा फैल जाता है, सब साफ़ सफाई करना आप देख सकते हैं। अभी आंगन में पेंट चल रहा है तो इधर ये एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ था तो बहुत ही गंदा हो रखा था वो एग्जॉस्ट और ख़राब भी हो गया, तो मैं उसको निकलवा रही हूँ, जो हस्बैंड जी जो है उनको निकलवा रहे हैं। उसके बाद हो गया था लंच का टाइम, सब्जी वब्जी सब कुछ तैयार हो गई, फिर फटाफट मैंने सबके लिए बनाया खाना। और जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, करवा चौथ वाले दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं इसको वीडियो को अपना अपडेट कर दूँगी और करवा चौथ का जो ब्लॉग आएगा वो थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि पूरा शूट करूँगी उसके बाद पूरी तैयारी हो जाएगी, फिर एडिटिंग वगैरह होगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो ये रोटियाँ वगैरह बनाने के बाद बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, तो आगे फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं मम्मी पापा जी को देने जाऊँगी। आज ना बेटी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वरना वो हेल्प कर देती थी सर्व करने में, तो मैंने उसको नहीं उठाया। तो रोटी बनाने के बाद फिर ये टाइम हो गया था शाम का चाय का, तो मैंने सभी जितने भी काम कर रहे थे ना घर में लेबर वाले लोग, उन सब के लिए मैंने चाय बनाई, बिस्किट वगैरह तैयार किए और सबको दे आई थी। फिर यहाँ पे मैं अपने लिए फीकी चाय बना रही थी और मम्मी जी के लिए भी बना रही थी, तो मैंने अपनी फीकी निकाल ली, उसके बाद मम्मी जी को दे दी। और ये चाय वगैरह बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होगा वो निपटाऊँगी। और अभी आंगन में पेंट चल रहा है, अभी मेरे अंदर वाले कमरों में नहीं हो पाया है, उसमें पूरा फैला पड़ा है, वो करवा चौथ के बाद ही हो पाएगा। चलो दिवाली तक तो सब निबट ही जाएगा, लेकिन हाँ ये सामान वगैरह सारा सेट करना रह जाएगा, वो धीरे धीरे मैं सब करती रहूँगी। फिर हमने फ़ोन कर दिया था एक मेहंदी लगाने के लिए, हमारे पड़ोस में कुछ लड़कियाँ थीं तो उनको मैंने बुला लिया था, तो यहाँ पर आ गई हैं मेहंदी लगाने। और रात का टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे, तो देखिए मेरी मेहंदी लग गई है। तो ये मेरा आज का था ब्लॉग, और आप लोगों की मेहंदी लगी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आपसे फिर मिलूँगी मैं न्यू ब्लॉग में, करवा चौथ ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो
कैसी है मेरी मेहंदी बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलती हूँ आपसे, राधे राधे, और हैप्पी करवा चौथ।